गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे बायोसेंसर्स के बारे में। सो बायोसेंसर्स बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर एनालिटिकल डिवाइस विच मेजर्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एनालाइट। तो बायोसेंसर्स एक तरह के एनालिटिकल डिवाइसेस होते हैं जो मेजर करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एनालाइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि बायोसेंसर्स बायोलॉजिकल मटीरियल इंटरैक्ट विद एन एनालाइट। तो बायोसेंसर्स में बायोलॉजिकल मटेरियल होते हैं, ठीक है? तो वो बायोलॉजिकल मटेरियल इंटरैक्ट करते हैं एनालाइट के साथ, और उस इंटरैक्शन के कारण कुछ फिजिकल चेंजेस डेवलप होते हैं जो कि डिटेक्टेबल होते हैं। सो दीज फिजिकल चेंजेस आर मेजर्ड एंड देन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय अ ट्रांसड्यूसर, ठीक है? तो जैसे अगर मैं डे टू डे लाइफ के बारे में एग्जांपल के बारे में बात करूं, तो जो ग्लूकोमीटर होता है जहाँ पे हम ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ बायोसेंसर। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम ब्लड प्रिक करते हैं, ठीक है, नीडल से, तो ब्लड उस नीडल पे लग जाता है, देन वी अटैच दैट नीडल ऑन द डिवाइस, ठीक है? तो फिर वो रीडिंग दे देता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है। तो इट्स अ काइंड ऑफ बायोसेंसर्स। तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड में आपका एनालाइट होगा, एनालाइट मतलब ग्लूकोज, ठीक है, जो इंटरैक्ट करेगा बायोलॉजिकल मटेरियल, और बायोलॉजिकल मटेरियल कहाँ पर होगा, बायोसेंसर्स के अंदर, ठीक है? अब इन दोनों के इंटरैक्शन के कारण कुछ फिजिकल चेंजेस होंगे, और वो फिजिकल चेंजेस जो है वो मेजर किए जाएंगे इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है? तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे, तो दीज सिग्नल्स आर एम्पलीफाइड, इंटरप्रेटेड एंड डिस्प्लेड एज एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि हम ग्लूकोमीटर में देखते हैं कि हमको ब्लड शुगर लेवल पता चल जाते हैं कि कितना है, ठीक है? सो फादर ऑफ बायोसेंसर्स, जिन्होंने बायोसेंसर बनाया था, जहाँ से पहला बायोसेंसर हमें मिला था, तो वो थे लील एंड सी क्लार्क जूनियर। ही वॉज एन अमेरिकन बायोकेमिस्ट, ठीक है? सो उन्होंने डेवलप क्या किया था, क्लार्क इलेक्ट्रोड। क्लार्क इलेक्ट्रोड इज बेसिकली अ डिवाइस विच इज यूज फॉर मेजरिंग ऑक्सीजन इन ब्लड, वाटर एंड अदर लिक्विड, ठीक है? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अभी हम देख लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है बायोसेंसर्स का। सो बायोसेंसर की मैं बात कर रही हूँ कि दिस इज योर बायोरिसेप्टर्स, ठीक है? तो ये बायोरिसेप्टर्स कहाँ पे अटैच होते हैं, ऑन दी ट्रांसड्यूसर, ठीक है? अभी मैंने ट्रांसड्यूसर यहाँ पे दिखाया नहीं है इस इमेज में, लेकिन जस्ट फोकस ऑन दिस इमेज, दिस इज योर बायोरिसेप्टर्स, ठीक है? तो इनकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जहाँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनालाइट आया, ठीक है? अब ये एनालाइट क्या करेगा, इन बायोरिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे हम एंजाइम में पढ़ते हैं ना, लॉक एंड की थ्योरी, कि एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और सबस्ट्रेट का भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर दे इंटरैक्ट। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो आपका एनालाइट है वो बायोरिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है? अब ये इंटरैक्ट, ये पूरी जो असेंबली है, जो रिसेप्टर्स हैं, जो बायोरिसेप्टर्स हैं, दीज आर अटैच टू ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है? तो जैसे ही आपके एनालाइट और बायोरिसेप्टर्स के बीच में जब इंटरैक्शन होगा, ठीक है, तो ये जो इंटरैक्शन है, जो ये फिजिकल चेंजेस हैं, वो ट्रांसड्यूसर मेजर करेगा, ठीक है? ट्रांसड्यूसर मेजर करेगा, तो ये जो चेंजेस होंगे वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, ऑप्टिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, थर्मल चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये इनमें से कोई भी एक चेंज जो है वो ट्रांसड्यूसर ने आइडेंटिफाई किया, ठीक है? और आइडेंटिफाई करने के बाद उसने कुछ सिग्नल प्रोड्यूस किए, ठीक है? यहाँ पे उसने सिग्नल प्रोड्यूस किया, ठीक है? बट क्या होता है, जो ये सिग्नल जो होते हैं बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी के होते हैं, ठीक है? तो उनको एक हाई, मतलब डिस्प्ले में आने के लिए बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की जरूरत होती है। तो क्या करते हैं, उसके लिए हम लगा देते हैं एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्या काम करेगा, इन सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देगा, एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है? तो एम्पलीफाई होने की वजह से क्या होगा, दिस सिग्नल्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ठीक है? सो दिस इज योर मैकेनिज्म ऑफ बायोसेंसर, जहाँ पे एनालाइट है, बायोरिसेप्टर्स हैं, ट्रांसड्यूसर है, देन सिग्नल है, फिर एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर के बाद ये प्रोसेस होके आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर विजिबल होते हैं, ठीक है? अंडरस्टूड।
सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर कंपोनेंट ऑफ बायोसेंसर्स, की बायोसेंसर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हम देखते हैं. तो फर्स्ट इज योर एनालाइट. एनालाइट क्या होते हैं? दीज आर मटीरियल्स विच आर मेजर्ड. ठीक है, तो जो भी मटीरियल जिसकी भी कॉन्सेंट्रेशन मुझे मेजर करनी है, ठीक है ना, जिसको भी मुझे आइडेंटिफाई करना है, दैट कंपोनेंट इज नोन एज एनालाइट. ठीक है, जैसे ब्लड में मुझे ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन मेजर करनी होती है, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, ग्लूकोज मेरा एनालाइट. ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया, ब्लड हो गया, यूरिन हो गया. ठीक है, दीज एनालाइट बेसिकली अ सैंपल विच हैज टू बी मेजर्ड इन बायोसेंसर्स. ठीक है, तो दीज कैन बी पेप्टाइड्स, विटामिन्स, प्रोटीन एक्सेट्रा. फिर नेक्स्ट इज योर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल. तो अभी हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि यहाँ पे बायो रिसेप्टर्स होते हैं और बायो रिसेप्टर्स के ऊपर आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बायोसेंसर्स के अंदर है. तो ये क्या करेंगे, दीज मॉलिक्यूल इंटरैक्ट्स विद एनालाइट एंड प्रोड्यूसेस फिजिकल चेंज. ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिस विच इज येलो इन कलर. ठीक है, और ये इंटरैक्ट कर रहे हैं एनालाइट के साथ. जो एनालाइट है वो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है. ठीक है, तो क्या होगा, फिजिकल चेंज डेवलप करेंगे. तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, आपके एंटीबॉडीज हो सकती हैं, सेल्स हो सकते हैं, पॉलीमर्स हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती है ये क्या कहलाती हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल. उसके बाद है ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर क्या काम करेगा, ट्रांसड्यूसर इन अ बायोसेंसर द रोल ऑफ ट्रांसड्यूसर इज टू कन्वर्ट द बायो रिकॉग्निशन इवेंट इनटू अ मेजरेबल सिग्नल्स. ठीक है, तो हमने जैसे बोला कि बायो रिसेप्टर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है और जो एनालाइट है, इनके बीच का जो इंटरैक्शन है वो ट्रांसड्यूसर मेजर करेगा इन अ फॉर्म ऑफ सिग्नल. ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज नोन एज सिग्नलाइजेशन. तो यहाँ पे जो भी इंटरैक्शन हो रहा है, जो भी फिजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, दैट एनर्जी is measured by transducer in a form of signal and this process is known as signalization. ठीक है, तो most transducer produces either optical or electrical signals that are usually proportional to the amount of analyte bioreceptors interaction. ठीक है, तो analyte और bioreceptors के बीच में जितना ज़्यादा interaction होगा, जितना इन दोनों के बीच में interaction होगा, उतना ही ज़्यादा detection दिखाएगा हमारा transducer. ठीक है, उतने ही ज़्यादा signals it will produce. ठीक है, तो what is the relation here? It is a direct relation, मतलब directly proportional to the amount of analyte bioreceptor interaction. So thank you for watching this video. In the next topic, we will discuss about the physical changes. Thank you so much.